आता है। ठीक है बाबू, तो यहाँ से x की वैल्यू कितना आ गया, 35 हो गया। तो x किसका सर, राम को ना थोड़ा सर, तो राम का प्रेजेंट श्याम बाई किसका है, श्याम का था, तो श्याम का कितना होगा 15 years। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से लिखे, इरेज करेंगे इसका, आप लोग जल्दी से बना के दिखाओ शॉर्टकट मेथड से। दीजिए सर, लिख लिया। हाँ बाबू, फोर इयर्स है बाबू। क्वेश्चन नंबर 5 बता तो शिवम, एक्स बाई मान के भी बनाओ बाबू, बन जाएगा है ना। फोर इयर्स एगो बाबू, रेशियो ऑफ पी है एंड क्यू है, रेशियो ऑफ बाबू पी एंड क्यू बाबू, बाज 2H2 3 एंड आफ्टर 4 years after four years बाबू रेशियो विल बी 5H2 7 फाइंड परसेंटेज ऑफ पी एंड क्यू। परसेंटेज निकालने कहेगा, दूसरा कहेगा अगर परसेंटेज का सम निकालो तो पी क्यू का परसेंटेज निकाल लोगे, दोनों को ऐड कर दोगे है ना, ऐड कर सम निकालने कहेगा तो ऐड कर दोगे। करो जल्दी से सर, पी का 2 4 24 एक मिनट सर, सर मार्कर का अच्छे से दिख नहीं रहा है। क्या नहीं देख रहा बाबू? सर मतलब मार्कर हल्का पड़ गया है। अच्छा ठीक है, ब्लैक से लिखेंगे वो रेड वाला। सर पी का 36 और क्यू का 28। हाँ सर, नहीं सर, ओके सर, जो आप लिखे हैं ना सर, दूसरा रेशियो जो आफ्टर 4 years का रेशियो सर, वो कौन सा है, क्या नंबर है उसमें? 5H7 है, 5H2 7 है। ठीक है सर, सही है सर। हेलो, हाँ बाबू सुन रहे तो मिलाइए ना सर, 32 52 आता बाबू, 52 आता है, 52 आता है प्रेजेंट, 36 और 52। हाँ सर, 8 6 48 और प्लस 4 करेंगे तो ना प्रेजेंट आएगा। सर 52 ही होगा, क्यू का 52 होगा, एक का सही था सर, एक का गलत निकल गया गलती से। तो इसी तरह से करना है ना, देखो बाबू कैसे, एक मिनट में करोगे। कितना आया सतीश? हाय शैतान के चल गया सतीश, ये तो एकदम नहीं पढ़ता एकदम बचपन, कहा नहीं समझ में आता बाबू। हम सर x y मान के बना रहे हैं। अरे तो x y मान के बनाओ बाबू, तो x y तब बना, जैसे मान लो आपको इसमें आ जाए, स्कूल में बनाना रहे या बाबू टेंथ के बोर्ड में बनाना है, तो वहां x y मान के बनाना, आपसे कोई आंसर पूछ रहा है तो वहां पे बाबू डायरेक्ट बनाओ। तो मैंने ये डायरेक्ट वाला नहीं समझ में आ रहा बाबू सतीश। नहीं सर, नहीं समझ में आ रहा है। अरे शैतान, देखो क्या करो, क्यू का एज 52 होगा। हाँ बाबू देखो, कुछ कहे बाबू, कुछ कहे, पहले जो कह रहा, क्या कह रहा सर, क्यू कह रहा, तो पी लिख लेना बाबू, रेशियो सर क्यू कर देना, कोई दिक्कत। अब बाबू जब भी करना क्या करना, प्रेजेंट एज लिख लेना, क्या लिखना बाबू यहाँ, प्रेजेंट एज लिख लेना, ठीक, प्रेजेंट एज हो गया। तो क्या करा, प्रेजेंट क्या, फोर्थ ईयर एगो, तो जब भी बाबू पहले कहेगा बाद कहेगा तो कहां से, सुनो शांति से सतीश, 32। हाँ बाबू, हाँ 32, जब भी कैसे बनाया शिवम, मान के बनाया बाबू, एक्स भाई नो सर, ऐसे नहीं समझ में आ रहा शिवम, यू इक्वल पी इक्वल 36। हाँ 36 आएगा, देखो बाबू परसेंटेज लिख लेना। जब भी बाबू फोर्थ ईयर एगो कह रहा है, चाहे फोर्थ ईयर आफ्टर कह रहा है, पहले बाद कहां से हमेशा कंसीडर किया जाता है, परसेंटेज से।
तो प्रेजेंट एस से बाबू, प्रेजेंट एस से बाबू चार साल पहले, तो चार साल पहले पहले क्या आएगा, तो माइनस लिखना, माइनस फोर करना। तो चार साल पहले रेशियो कितना दिया हुआ सर, फोर सी रेगो बाबू कितना दिया, टू एच टू थ्री दिया, तो चार साल पहले कितना हो जाएगा, टू एच टू थ्री हो जाएगा। यहां तक समझ में आया सतीश? यस सर। अब उसके बाद क्वेश्चन पढ़ो, क्या करा आफ्टर फोर इयर्स, क्या करा वो चार साल बाद, तो चार साल बाद कहां से, चार साल बाद, चार साल पहले से चार साल बाद नहीं, प्रेजेंट एस से वर्ब बोल रहे हैं, चार साल पहले चाहे चार साल बाद, चाहे पचास साल पहले चाहे पचास साल बाद, कहां से, हमेशा प्रेजेंट एस से कंसीडर करना। तो प्रेजेंट एस से बाबू क्या करा आफ्टर फोर इयर्स, तो प्रेजेंट एस से चार साल बाद, तो बाद को हमेशा क्या लिखना, प्लस फोर करना, बाद को हमेशा क्या करना, प्लस फोर करना। तो आफ्टर फोर से बाबू रेशियो बिल भी कितना हो जाएगा, फाइव एच टू सेवन, रेशियो कितना हो जाएगा, पांच हो जाएगा सर, अब कितना हो जाएगा, सेवन हो जाएगा। इतना बात समझ में आया? यस सर। चलो ठीक है, अब यहाँ पे चेक कर लेना कि ये इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस सेम है कि नहीं, अगर सेम नहीं, सेम सेम वाला हमने पहले क्वेश्चन करवा दिया, अगर इसका इसका ये दोनों का डिफरेंस पी और क्यू का, मैंने पांच साल पहले का रेशियो का डिफरेंस और अभी का डिफरेंस सेम है कि नहीं, सेम रहेगा बाबू तो डायरेक्ट यहाँ का डिफरेंस इसका डिफरेंस बराबर कर देना, नहीं रहेगा तो यहाँ डिफरेंस कितना होगा, ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आएगा सतीश बताओ, यहाँ का डिफरेंस कितना आएगा बाबू, माइनस वन। माइनस मत लिखना सकते हैं, मैंने बड़का में से छोटका घटाना है ना, माइनस उन्नीस मत करना है ना, बड़का जो रहेगा उसका छोटका घटा देना है ना, ठीक है, वन आएगा। तो हाँ तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, थ्री माइनस टू, शांति से सुनो, कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। यहाँ का डिफरेंस कितना आ जाएगा बाबू, यहाँ का डिफरेंस चेक कर लेना कितना आ जाएगा बताओ, टू आ जाएगा, सेवन हो जाएगा, माइनस फाइव, सात माइनस पांच कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। तो अगर डिफरेंस सेम नहीं है, अगर बाबू डिफरेंस सेम नहीं है, यहाँ वन है सर यहाँ टू है, तो डिफरेंस सेम नहीं बाबू, तो जो डिफरेंस आएगा इसका दो, तो ये जो डिफरेंस आएगा इसमें मल्टीप्लाई करना और यहाँ का जो डिफरेंस आएगा इसमें मल्टीप्लाई कर देना। सुनो शांति से, बाद में लिखना, तो इस यहाँ डिफरेंस टू है तो ये दो क्या करोगे, इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे, पहले वाला इसमें मल्टीप्लाई दो कर देना और यहाँ डिफरेंस वन है बाबू, तो इसमें मल्टीप्लाई वन कर देना। यहाँ तक समझ में आया? यस सर। तो ये दो से मल्टीप्लाई कहाँ करोगे, ये पूरा रेशियो में, इसमें भी इसमें भी, दो से मल्टीप्लाई कहाँ करोगे, इसमें भी करना, वन से मल्टीप्लाई कहाँ करोगे, इसमें भी इसमें भी। तो नेक्स्ट बाबू हम डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट लाइन मेरा क्या होगा, अब नेक्स्ट जो लाइन होगा बाबू डायरेक्ट हम इसमें कर सकते हैं, आपको बाबू कापी कलम छूने की जरूरत नहीं है, परसेंटेज, ठीक है। तो दो से मल्टीप्लाई करो बाबू, दो से मल्टीप्लाई करोगे तो दो दो कितना हो जाएगा, फोर हो जाएगा, है ना बाबू। दो से अगर मल्टीप्लाई करते हो शैतान, दो से अगर मल्टीप्लाई करते हो बाबू तो कितना हो जाएगा, फोर हो जाएगा। इसमें दो से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा। फिर वन से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा बाबू, फाइव हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, सेवन हो जाएगा। तो ये क्या है, चार साल पहले ना बाबू, प्रेजेंट एस से बाबू चार साल पहले है ना, ये माइनस फोर हो गया बाबू, अब प्रेजेंट एस से चार साल बाद हो गया। इतना करने के बाद अब कुछ नहीं करना है, यहाँ का देखो, अब इतना कर दो ना सतीश, देखो इसका डिफरेंस सेम रहेगा, शांति से सुनो, चार माइनस पांच करो चाहे बड़का में से छोटका घटाना, तो फोर माइनस फाइव या फाइव माइनस फोर करो कितना आएगा, वन आएगा। सेवन माइनस सिक्स करो क्या आएगा, वन आएगा। तो हमेशा क्वेश्चन सोल्व करने से पहले बाबू देखो यहाँ का डिफरेंस सेम, यहाँ का डिफरेंस सेम होना चाहिए। देखो यहाँ बाबू कितना आ रहा है, यहाँ थ्री आ रहा, यहाँ क्या आ रहा, फोर आ रहा, तो इसमें डिफरेंस नहीं ना सेम है, तो नहीं करना। तो इसे डिफरेंस सेम करने के बाबू इसमें दो से मल्टीप्लाई किया, इसमें वन से मल्टीप्लाई, अब देखो क्या होगा, डिफरेंस सेम हो गया। ये बाबू वन का डिफरेंस यहाँ भी है सर, यहाँ भी वन का अंतर है, तो यहाँ का डिफरेंस कितना है सर, वन का है। यहाँ का डिफरेंस कितना है सतीश बताओ बाबू, कितना यहाँ का अंतर है, तो वन का अंतर हो गया, वन का अंतर है, तो ई वन का रेशियो में अंतर है, तो एज में कितना अंतर हो जाएगा बताओ, एज में कितना अंतर हो जाएगा, एट ईयर, आठ साल, बस हो गया। तो वन पार्ट का वैल्यू बाबू इसको ऐसे लिख सकते हो, वन पार्ट का वैल्यू एज में कितना है सर, एट ईयर्स है, ठीक। तो एक पार्ट का वैल्यू कितना हो गया, आठ साल हो गया। अब बाबू चार पार्ट का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ सतीश, बत्तीस साल, बत्तीस। छह पार्ट का वैल्यू, अड़तालीस। फिर पांच पार्ट का वैल्यू, पांच पार्ट का, फाइव पार्ट का वैल्यू, फाइव पार्ट है ना बाबू, फाइव है ना, चालीस, आइए फिफ्टी से मतलब ये थर्टी टू आ गया। तो थर्टी टू क्या बोलो, प्रेजेंट एज से पहले, अब जो ये थर्टी टू आ जाएगा, फोर से मल्टी एट से मल्टीप्लाई थर्टी, तो ये एज निकल गया, ये क्या हो गया, एज निकल, थर्टी टू ईयर्स हो गया। क्या सर, पी का एज, क्या सर, पी का एज, कैसे सर, चार साल पहले, चार साल पहले बाबू क्यू का एज कितना हो जाएगा, फोर्टी एट हो जाएगा, है ना। चार साल बाद कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसका निकालोगे तो कितना आ जाएगा बाबू, ये चालीस हो जाएगा। तो प्रेजेंट एज पूछ रहा है,
तो परसेंटेज बाबू ये 36 है, तो 36 में 4 ऐड करोगे तब ना परसेंटेज आएगा। समझा कि नहीं समझा सतीश? यस सर। अच्छा राइट डाउन कीजिए, बता रहे हैं। सर मैं फर्स्ट तो सिर्फ बनाई थी सर, सेकंड मेथड से भी करना है। अब जो भी क्वेश्चन देगा उसको एक्स वाई मान के बना के लाना। समझ में आता है अपने प्रकाश? अपने प्रकाश समझ में आता है? सर दोनों मेथड से बना के लाना है अब जो क्वेश्चन देंगे आप। अरे इस मेथड में दम कहाँ है बाबू? अपने प्रकाश नहीं बोलता। ये शिवम बाबू समझ में, शिवम ये मेथड समझ में आया कि नहीं आया? शिवम बाबू ये हो गया फर्स्ट मेथड। शिवानी समझी बाबू ऐसा आप मतलब मेथड? ए शिवानी आप बाबू एक पार्ट का निकल गया ना, तो चार पार्ट का भाई निकाल दो, आठ पार्ट आता बाबू आता, बहुत काम आता। एक पार्ट का वैल्यू निकल गया तो चार पार्ट लिख दो और छह पार्ट का वैल्यू निकाल दो, वही उसका एज हो जाएगा। तो ये क्या आएगा, चार साल पहले आ जाएगा, ये चार साल बाद आ जाएगा, तो बीच में कितना आ जाएगा? बीच में बाबू चार साल ऐड करो। चौरसिया है कि चल गया शैतान, तीन वो भाग गया। शर्मा गया, चौरसिया गया, ए प्रखर बोल नहीं रहे, इसके मम्मी से बात करना पड़ेगा, बोलती काहे नहीं है। प्रखर ठीक है बाबू इरेज करते हैं। ठीक है तो अब क्या है बाबू, क्या है अब क्या करेंगे सर? चार पार्ट है बाबू, छह पार्ट है। तो नेक्स्ट बाबू यहाँ क्या था सर? पी था सर, यहाँ क्यू था सर, है ना? और यहाँ क्या, बीच में हमेशा परसेंटेज लिखना है ना बाबू? तो चार पार्ट बराबर कितना सर? चार पार्ट बराबर कितना सर? 32 हो जाएगा, है ना बाबू? और ये कितना, आठ पार्ट बराबर कितना हो जाएगा? सिक्स पार्ट बराबर कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। तो ये क्यू 48 हो गया बाबू, है ना? ठीक सर। परसेंटेज से कितना बाबू? चार साल पहले, चार साल बाद, चार साल बाद बाबू कितना हो जाएगा? ये 40 हो जाएगा और ये 56 हो जाएगा। तो बोल रहा है परसेंटेज, चार साल पहले प्रेजेंट से बाबू, चार साल पहले 32 साल था, 32 इयर्स था, तो परसेंटेज कितना होगा? 32 प्लस 4 हो जाएगा। अरे शैतान ये आ गया 32 इयर्स चार साल पहले, तो अभी प्रेजेंटेज इसमें कितना ऐड कर दो ना, तो ये 36 हो जाएगा और ये 4 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। तो यही क्या है बाबू, परसेंटेज है। प्रेजेंट किसका सर? पी का हो गया सर और ये क्यू का हो गया सर। 32 और 48 आया। अरे बाबू ध्यान नहीं रहा आपको, कई बजे जाना है प्रकाश सिंह? मतलब सर कई बजे निकलना है अभी? ये सबको छोड़ने के बाद 10 मिनट बता देंगे तो हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। सामने नहीं आ रहा बाबू, अभी बहुत क्वेश्चन करना है सामने बाबू। तो सामने आने के लिए तैयार हो? ग्रुप में मैसेज देखते कितना स्टूडेंट आते हो, 7:30 बजे से बाबू आप लोग सामने आइएगा। ऐसा कैसा का और दो चार को क्वेश्चन है। 7:30 मतलब? मैंने 7:15 बाबू, 7:15। अच्छा। अरे 6:50 से 7:50 तक क्लास होता है ना बाबू बैच भी वाला, तो उसी में कंटिन्यू रह जाएगा। ठीक है सर, बाय सर। अरे बाय बाबू, आ जाओ सतीश बाबू, आ जाओ ना सब सर। इसमें बाबू और क्वेश्चन बच गए, और दो चार को बच गए, तो इसको फिनिश कर देंगे। वो कितना लटकाए हुए रहेंगे, है ना? अच्छा नहीं लग रहा बाबू हमको। हम भी देखो मुश्किल से 2-3 वो क्वेश्चन नहीं हो पाता है। तो आज आप लोग 7:30 बजे स्टार्ट होगा। 7:30 बजे आना सारे को बाबू।
इसका बाबू सेकंड मेथड बना के बाद फिर केमिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे। तो सर चार क्वेश्चन ही बचा इस मतलब इस चैप्टर में, अब चार क्वेश्चन या अपन कुछ ऐसा आसपास क्वेश्चन करा के छोड़ देंगे ये मतलब चैप्टर खत्म हो जाएगा। हाँ बाबू कुछ कुछ फिर मिक्स क्वेश्चन आएंगे जैसे क्वाइन वगैरह का, तो वो सब करवा उरवा के फिर बाबू आपको एक्सरसाइज बनाओ, एक्सरसाइज बाबू सोल्यूशन करवाएंगे फिर। ठीक है सर। रेशियो प्रोपोर्शन का बाबू पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको कॉपी में मिल जाएगा, ऐसे को फेयर करना है। तो कहीं भी रेशियो का है बाबू तो इसी तरह से अप्रोच करा। दूसरा मेथड क्या है, एज्यूम करके बनाओ। ठीक है बाबू 7:50 में आप लोग आए बाबू, 7:15 7:30 बजे। ठीक है सर। नहीं आएगा ठीक है बाबू, जाइए आप लोग जाइए आइए सबको। बाय बाय बाबू, गुड बाय बाबू, हैव अ नाइस डे। ए प्रखा